राम जी भानो से तोरी आसिया किसे माता जोड़िया रामा सुबे ओ सुबे। ऐसा है कि एड्स एक ऐसी बीमारी आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में ये माना जाता है कि ऐसे लोग जिनको एड्स हो जाता है उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है शुरू पहले, लेकिन अब सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल की गई हैं जिसके कारण अब लोगों में ये धारणा धीरे धीरे बदली है कि इनको अछूत नहीं माना जाता, इनके साथ रहा जा सकता है, क्योंकि छूत एड्स की बीमारी छुआछूत से नहीं होती है। इसी के तहत हम लोगों ने और आगे बढ़ते हुए सामाजिक रूप से मान्यता देने के लिए ये हमारे एक मेल हैं और एक फीमेल हैं, पुरुष और एक महिला हैं जो कि एड्स की बीमारी इनके इनको है, तो इसीलिए सब आदमी साइलेंट रहिए। दाई के भाभी सुबे दाई के भैया सुबे वो सुबे आज सुबह के लगना आप लंबे हैं दोनों हाथ पकड़ के इधर घूमे हल्का लड़की सब मिली एक काम की माला पकड़ ली दोनों आदमी जैसे दोनों आदमी माला पकड़ थोड़ा सा तिरछा होके इधर ये दोनों आदमी दोनों जैसे माला पहना के चलिए हो गया कठिनाई हो रही है जबकि तब ठीक हो रहा है हमारे पूरे स्वास्थ्य परिवार का साथ तो हमेशा मिलता रहे। ये जो शादी सदर अस्पताल में हुई है इससे कितना खुश है? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल से जो नया जोड़ा है वो भी बहुत खुश है और आगे भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल निभाएंगे क्योंकि उनके जो पति है जिनसे इनकी शादी हो रही है वो भी बहुत खुश है और इनके परिवार की सहमति से भी हो रही है। जी हाँ मैं कर रही हूँ, मेरे पति और मैं दोनों मिलकर कन्यादान का फर्ज आप ही निभा रही हैं? जी सर मैं ही निभा रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु है। कहाँ घर है? मेरा घर समस्तीपुर में ही है। इस लड़की की शादी हुई उसकी आप कौन है? सब कुछ समझिए अभी जी, अभी समझिए सब कुछ, माँ बाप की भूमिका हम लोग ही निभा रहे हैं। सर ये मामला ऐसा है कि एड्स एक ऐसी बीमारी आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में ये माना जाता है कि ऐसे लोग जिनको एड्स हो जाता है उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है शुरू पहले, लेकिन अब सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल की गई हैं जिसके कारण अब लोगों में ये धारणा धीरे धीरे बदली है कि इनको अछूत नहीं माना जाता, इनके साथ रहा जा सकता है, क्योंकि छूत एड्स की बीमारी छुआछूत से नहीं होती है। इसी के तहत हम लोगों ने और आगे बढ़ते हुए सामाजिक रूप से मान्यता देने के लिए ये हमारे एक मेल हैं और एक फीमेल हैं, पुरुष और एक महिला हैं जो कि एड्स की बीमारी इनके इनको है, तो इसीलिए सामाजिक रूप से थोड़ा बहिष्कृत कर दिए जाने के कारण परिवार के द्वारा हम लोगों ने को जानकारी जब मिली तो हमारे काउंसलर हैं इस एड्स के, हाँ श्री विजय मंडल जी, तो उनके अथक मेहनत के बाद
इन लोगों के बारे में जानकारी हम लोग को मिली और इन लोगों का दोनों का हम लोगों ने चाहत जानते हुए इसके बाद हम दोनों की शादी करवा रहे हैं, यानी इनकी आपसी सहमति के बाद कानूनन रूप से वैध है ये शादी, और आज के बाद ये लोग मिलजुल के रहेंगे और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ये समाज के लिए एक मैसेज होगा कि इस तरह के लोग को भी जीने का हक है और ये समाज के ही एक अंग माने जाए। खुश है सर जी, खुश हैं, पूरा परिवार भी खुश है, यहाँ सदर में शादी हो रहा है।